आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में मजलूमों को और ऐसे लोगों को मारा जा रहा है जो मिडिल क्लास के हैं या गरीब हैं, जिनकी कोई सपोर्ट नहीं है, कोई फौज, कोई आर्मी, कोई रेंजर्स, किसी को कोई ख्याल नहीं है आवाम का, सिर्फ उनको मारा जा रहा है। उन्हीं इलाकों में बम धमाके होते हैं और ये तालिबान जो हैं ये पीस के खिलाफ हैं, ये आवाम के खिलाफ हैं, ये पाकिस्तान के खिलाफ हैं, ये कराची के खिलाफ हैं और ये इस्लाम के खिलाफ हैं। ये सिर्फ MQM, पीपल पार्टी या NP के खिलाफ नहीं है, ये असल में पाकिस्तान के खिलाफ हैं और इनके साथ जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग भी पाकिस्तान के दुश्मन हैं। जो लोग दो पार्टियां या तीन पार्टियां सिर्फ अपना इलेक्शंस कंपेन चला पा रही हैं और कोई एक पार्टी भी, अभी तक जितने भी बम धमाके कराची में हुए, जितने भी लोग मासूम मारे गए, उनमें से किसी एक ने भी कंडम नहीं किया, उनसे ऐसा लग रहा है कि रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप खुदारा बम धमाके बंद कर दें कि हम अपनी इलेक्शन कराएंगे। शर्म आनी चाहिए इस तरह की पार्टियों को, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इस तरह के दरिंदों को, दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं। और हम यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान के लिए आए हैं, हम अपनी आवाम के लिए आए हैं, अपनी कौम के लिए आए हैं, हम किसी के दबाव में नहीं बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम किसी के दबाव में नहीं आए हैं, हम सिर्फ अपनी वजह से आए हैं कि एक आवाम की आवाज़ निकले। और मैं आपसे भी ये गुजारिश करूँगा, जो लोग भी रोड पे निकल सकते हैं, जो लोग भी जिस तरह भी तालिबान के खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जितना हो सके आवाज़ उठाएं, क्योंकि अब मुल्क में कुछ बाकी नहीं बचा। ये लोग जहाँ चाह रहे हैं, जिस वक्त चाह रहे हैं धमाके करते हैं, जिस वक्त चाह रहे हैं मासूम लोगों को मारा जा रहा है।